सीतापुर की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है, इसके विषय में जानकारी? जी, सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र के सीमा विस्तार का की अनंतिम अधिसूचना जो है उसके निर्देश प्राप्त हुए हैं। अभी तो अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, इसके बाद उसमें आपत्तियों को मांगा जाएगा और 15 दिन के बाद आपत्तियों को जो प्राप्त होंगी उसका निस्तारण किया जाएगा, उसके पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सीमा जब बढ़ जाती है तो क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को मिलने लगती हैं? देखिए सर, प्रथम तो जब सीमा बढ़ने की अधिसूचना फाइनल रूप से जारी हो जाएगी, उसके बाद से चूँकि चुनाव निकट हैं तो पहला कार्य होगा कि वार्डों का परिसीमन होगा और जो पिछड़ी जाति हैं उनका सर्वे होगा, जिसको रैपिड सर्वे कहते हैं, और इस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है पहले वो पूरी की जाएगी और उसके उपरांत ही कुछ कह पाना संभव होगा। तो कितना टाइम लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया? इस पूरी प्रक्रिया में देखिए, चुनाव तक तो केवल चुनावी प्रक्रिया ही चलती रहेगी, उसके बाद जब वार्डों का परिसीमन हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा, तो फिर शासन के द्वारा शासन स्तर से जो कुछ भी आवंटित किया जाएगा उस आधार पर वहाँ का विकास कार्य कराया जाएगा। अभी सर तो जैसे 30 वार्ड हैं सर, तो अनुमानित कितने वार्ड और बढ़ने हैं? देखिए, कुल 18 गांव आए हैं, तो संभावित तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो किस गाटा का, किस क्षेत्रफल का गाँव किस रूप से आया है, तभी कहना बहुत ही अर्ली होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेज है, अभी बिल्कुल शुरुआत है और एक संक्रमण काल में हम जा रहे हैं, तो हम सभी लोग को मिल करके काम करना होगा और बहुत पॉजिटिव वे में इसको देखना होगा। इसे कभी ऐसा नहीं सोचना होगा कि आज कोई क्षेत्र में आ गया तो कल से हम वहाँ पे सारी सुविधाएं या सारा वहाँ पे हम सफाई चालू करा सकते, क्योंकि हमारे तो संसाधन वही हैं जो हमारे अभी नगर क्षेत्र के लिए हैं, तो जब वो संसाधन बढ़ेंगे, हमारे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नवीन पद सृजित होंगे, शासन से उस चीज़ के लिए धन आवंटित होगा और हमारी ग्रांट्स बढ़ेंगी, तभी हम वहाँ पर और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएंगे।